नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल सरिता रतूड़ी में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए मुझे सब्सक्राइब करें, सामने घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में भिंडी मसाला, जिसके लिए हमें चाहिए भिंडी, ओकरा और यू कैन से लेडी फिंगर। तो चलिए चलते हैं अपने किचन गार्डन में और तोड़ते हैं फ्रेश फ्रेश भिंडी। तो लीजिए, ये भिंडियाँ हमने तोड़ ली हैं। अब थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए धनिया भी तोड़ लेते हैं। भिंडी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी बिल्कुल फ्रेश और सॉफ्ट होनी चाहिए, इस तरीके की। दूसरा, भिंडी जब चूज़ करें ध्यान रहे कि ज़्यादा मोटे बीजों वाली ना हो, तो इस तरीके की भिंडी परफेक्ट है, जिसे इस तरीके से कट करेंगे। ऊपर का हेड कट कर लेंगे और टेल भी कट कर लेंगे और ठीक बीचों बीच एक कट लगाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी सारी भिंडी कट कर लेंगे, या फिर यूं कह लीजिए एक एक इंच के डिफरेंस में हमें अपनी भिंडी कट करनी है। अब एक प्याज को भी हम चॉप कर लेंगे। अब दो टमाटर, दो मिर्ची, एक टुकड़ा अदरक का और बहुत सारा लहसुन लेकर इसका ग्राइंडर जार में एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो लीजिए, प्यूरी बनकर तैयार है। अब एक कटोरी में 4 चम्मच दही लेके उसको अच्छे से फेंटेंगे। अब चलते हैं कुकिंग प्रोसेस पर। यहाँ पर पैन को अच्छे से गर्म करेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, आप अपने अकॉर्डिंग तेल का चूज़ कर सकते हैं, उसको अच्छे से गर्म करेंगे। और गर्म होने पर गैस फ्लेम को मीडियम रखेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे भिंडी। और उसमें थोड़ा नमक और थोड़ी हल्दी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे इवनली फ्राई करेंगे। और लगभग 60-70% तक फ्राई होने पर हम इसे अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हमने कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं डाला है, क्योंकि जब भिंडी वापस इसमें ट्रांसफ़र होगी तो भिंडी से तेल हमारी ग्रेवी में अच्छे से रिलीज हो जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा तेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं एक परफेक्ट ग्रेवी अपनी भिंडी के लिए। सबसे पहले हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 2 चुटकी हींग, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो प्याज हमने चॉप किया था उसको भी फ्राई करेंगे और लगभग गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। लीजिए, प्याज हमारे यहाँ पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज में हम ऐड करेंगे यहाँ पे अपनी टमाटर वाली प्यूरी, जो हमने पहले से ही ग्राइंड करके रखी हुई है। अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी सभी मसालों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब 3 चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि 3 चम्मच धनिया पाउडर हमने इसलिए लिया है कि धनिया एक बाइंडर का काम करेगा हमारे मसाले का। इसके बाद हमने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी और इसको 2-3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो देखिए, 2-3 मिनट पकने के बाद हमारी ग्रेवी में से तेल एकदम अलग हो चुका है। इसका मतलब हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब इस स्टेज में हम गैस को कर देंगे बंद और इसका टेम्परेचर थोड़ा होने देंगे डाउन। अब जब टेम्परेचर डाउन हो जाए तो जो दही हमने रखी थी उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे कंटिन्यूसली अच्छे से फटाफट चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और जब मिक्स हो जाए तो उस कंडीशन में हम गैस फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे। अब ऐसा हमने इसलिए किया है कि जब टेम्परेचर डाउन होता है तो दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे फ्राई करी हुई भिंडी, अच्छे से मिक्स करेंगे
ताकि मसाला और भिंडी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जब मसाला और भिंडी अच्छे से मिक्स हो जाए, यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ा पानी और इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि हमारी भिंडी के अंदर तक मसाला अच्छे से पहुँच जाए। अब लगभग 5 मिनट पकने के बाद जब भिंडी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ऐड करेंगे गरम मसाला और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऐड करते ही इतनी अच्छी अरोमा इंक्रीज़ होगी कि वाकई में बहुत ही टेम्पटिंग लगेगी हमारी भिंडी मसाला। अब लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे ढककर पकाएंगे। तो लगभग 1 से 2 मिनट पकने के बाद हमारी भिंडी अच्छे से सॉफ्ट और पक भी चुकी है। अब हम इसे गार्निश करेंगे हरी धनिया पत्ती से। तो लीजिए, तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला रेसिपी। अब आप इसे चपाती, पूरी, पराठा या राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।